such a beautiful property in Goa. This is the hill view side of the rooms. And then we walk down this part of Goa. There's a sea view side. To Goa. ये देखिए कितना खूबसूरत कोर्टयार्ड है, बिल्कुल पुराने स्टाइल का, वेनिशियन टाइल्स और इस तरफ समंदर है. सो आप कोर्टयार्ड पे बैठ के चाय कॉफ़ी पी सकते हैं और समंदर देख सकते हैं. पे लाइव म्यूज़िक होता है, शाम को बार है. अगर आप यहाँ से घूमेंगे तो यहाँ पे स्विमिंग पूल है, दिख रहा है आपको? बरसात की वजह से हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप उतरेंगे दिख रहा है? बस यहाँ से मैं चल के जाऊँगी तो एकदम यू कैन सी द सी. Isn't it pretty? है ना खूबसूरत? सुबह सुबह खाली बीच है एकदम. ये देखिए कोई नहीं है सिवाय कुछ डॉगीज और गाय के अलावा. मैं जा रही हूँ बीच पे वॉक करने के लिए. ये हमको मुंबई में हालांकि बीच है लेकिन इतना साफ नहीं है, और अगर साफ है तो फिर क्राउडेड है, और वैसे क्राउडेड नहीं भी है तो वक्त कहाँ मिलता है. तो ये एक अच्छा मौका है. गोवा अब देखो बारिश शुरू हो गई, जैसे मैं बीच पे आई बारिश शुरू हो गई. खैर थोड़ी देर तो चलूँगी, इसका लुत्फ तो उठाना है. आई मस्ट इन्जॉय दिस, नहीं तो पता नहीं फिर कब नसीब होगा. बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन टाइम निकाल के आई हूँ. गुड मॉर्निंग, आई होप आप लोग भी अपने शहर पर निकले हैं. सेहत बनाइए, तंदुरुस्त रहिए, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आपके पास पैसा हो लेकिन मन की शांति नहीं हो और सेहत नहीं हो तो कोई फायदा नहीं. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस. वो देखिए पीछे होटल प्रॉपर्टी दिख रही है. वैसे अगर देखा जाए तो दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ प्राइवेट बीच, बिकॉज ये देखिए कि यहाँ पे ख़त्म होता है ये बीच. ये देखिए यहाँ ख़त्म होता है, उसके बाद पहाड़ आ जाता है, और ये साउथ गोवा में है एंड इट्स राइट अप टू जस्ट दैट होटल. बीच इज देयर, उसके बाद उधर उधर भी पहाड़ है. दो पहाड़ों के बीच में ये कुछ 4-5 घर है जो ये बीच को एंजॉय करते हैं. सो इज़न्ट दैट अमेजिंग? आई एम श्योर टूरिस्ट आते होंगे, कल मैंने देखा भी था, बट इट्स लवली, इट्स रियली नाइस. मैंने कितने साल हो गए कि सुबह सुबह मैंने बीच पे वॉक किया. गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा. सो दिस इज़ माई लास्ट डे इन गोवा एंड आई लव गोवा. एक्चुअली आई लव एनी थिंग विच इज़ गॉट वाटर, द सी. आई एम अ वाटर बेबी. टुडेज वेदर इज मच बेटर, इफ यू कैन सी सन एंड इट्स ब्राइट. ऑफकोर्स आई हैव कम लिटिल लेटर देन आई वाज देयर यस्टरडे एंड इट्स ब्यूटिफुल. It is so beautiful, इतना खूबसूरत लग रहा है. गोवा मेरी पसंदीदा जगह है क्योंकि यहाँ समुंदर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा नाइट लाइफ है, और अगर आप नाइट लाइफ नहीं चाहते तो बहुत अच्छा रिलैक्सेशन के लिए भी जगह है. एंड दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से दैट यू नो हैव अ ग्रेट लाइफ ऑल ऑफ यू.
विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, स्टे हैप्पी. आई एम वॉकिंग ऑन दैट लिटिल प्राइवेट बीच जिसका मैंने आपको कल जिक्र किया था. इट्स रियली नाइस. सो यस्टरडे बाय द वे आई वेंट टू अ वंडरफुल रेस्टोरेंट टू ईट. इट्स कॉल्ड जोएट्स एंड दे हैड एक्सेलेंट फूड, एक्सेलेंट एम्बियंस एंड दिस इज इन साउथ गोवा. Just letting you all know that ever you come next time, try to see and go to Joe's. I'm not promoting it, I've not been paid any money for it. But I enjoyed it, that's why I'm telling you. So here I am at the Mopa Airport. मतलब ये एकदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाया है. एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया. गोवा को बाय बाय बोल रही हूँ और जल्दी आने का वादा करते हुए मैं यहाँ से जा रही हूँ. देखिए इतना ब्यूटीफुल और मजेस्टिक एयरपोर्ट है ये. सो ये है इनसाइड ऑफ द मोपा एयरपोर्ट. मेरे हिसाब से बैंगलोर एयरपोर्ट हमारे देश का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है और अब ये सेकंड नंबर पे है. ये दिस इज़ द सेकंड टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ मोपा एयरपोर्ट पर एंड इतना ट्रैवल कर रही हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों को भी सैर करा दूँ. अपने ट्रैवल्स के साथ साथ आप लोगों का भी सैर हो जाए. सो आई होप यू एंजॉयिंग माई वीडियोस. और जैसे जैसे मैं और घूमती रहूँगी वैसे वैसे मैं और आप लोग को अपडेट करती रहूँगी. फॉर नाउ गोवा से गुड बाय एंड बैक टू मुंबई.